हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FFC स्कॉलरशिप की जानिब से, जो कि साल 2022 के लिए अनाउंस हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आपने कैसे स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, इनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कहाँ से हमें जो इनका ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा। तो इसमें वो सारे बैचलर्स के स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में है, मैकेनिकल, सिविल, टेलीकॉम, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, सोशल साइंसेस, एग्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस या पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट यानी कि FSC या ICS के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा वो बैचलर्स वालों के लिए 3000 पर मंथ है और पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो है ना उनके लिए 2000 पर मंथ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके लास्ट एग्ज़ाम में 85% मार्क्स हों, या वो सारे स्टूडेंट्स बलूचिस्तान, GB डोमिसाइल होल्डर या एक्स्ट्रा फाटा के स्टूडेंट जिनके 75% मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स के स्टूडेंट्स आपका जो है फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर होना चाहिए और पोस्ट मैट्रिक के जो स्टूडेंट उनका फर्स्ट ईयर होना लाजमी है। आप किसी भी जो है वो इनरोल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड या रजिस्टर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड हों और लैंड जो होल्डिंग है वो इनका यहाँ पर जो है वो इन्होंने कहा है कि 50 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इनसे कम हो। अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ये इनकी जो है वो वेबसाइट है swof.sonafoundation.org.pk। इस पर आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट करना है। प्रिंट करके उसके साथ सारे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट करवा के अटैच करेंगे और इस एड्रेस पे आपको भेज देने हैं, जो कि सोना वेलफेयर फाउंडेशन स्कॉलरशिप डेस्क, सोना टावर्स, 156 दीमाल, रावलपिंडी, ये इनकी जो है एड्रेस है। इस पे आपको अपना फॉर्म भेज देना है। डेडलाइन जो है वो 28th of Jan 2022। तो अभी बहुत सारे दिन हैं आपके पास, जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ये जो है वो एड्रेस मैंने जो आपको बताई swof.sonafoundation.org.pk इस पे आना है अपने क्रोम ब्राउज़र में खोल के, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपके पास कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, नीचे यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ये सारी मैंडेटरी डिटेल आपको देनी है, जिसमें फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका CNIC नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड देना है, अगेन पासवर्ड देना है और साइन अप करना है। साइन अप करते ही आपके पास एक ईमेल आएगी, उस ईमेल से आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। ईमेल इस टाइप की ईमेल होगी, ठीक है। यहाँ से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वापस आकर आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे उसी CNIC और पासवर्ड से। तो चले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सॉरी, ये बीच में हमारा अच्छा, जैसे आप लॉगिन करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा। राइट साइड पे आपको अपने प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको अपने पहले प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यहाँ पर देखें कोई चीज़ अगर मिस हो रही है तो वो आपने फिल करनी है, जेंडर वगैरह, नाम वगैरह सारी चीज़ें सिलेक्ट करके, सेल फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देकर सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये सेव करने के बाद आपको वापस अपने डैशबोर्ड में आना है, ठीक है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम सिलेक्ट करना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, बैचलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है या इंटरमीडिएट। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, मैं बैचलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपका जो फॉर्म है ये चार स्टेप्स में है, चार स्टेप्स आपको कंप्लीट करके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। पहला जो स्टेप है ये आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका CNIC नंबर, आपके गार्डियन या फादर का CNIC नंबर, उसके बाद आपके फादर या गार्डियन क्या करते हैं वो आपने लिखना है, सेल फोन नंबर देना है, जिनके भी आगे स्टार है ना वो मैंडेटरी है, जिनके आगे स्टार नहीं है और वो डिटेल आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप उसको लीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लैंडलाइन नंबर वगैरह है ना तो दें, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ईमेल एड्रेस आपको देनी है, पोस्टल एड्रेस आपको देनी है और परमानेंट एड्रेस आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको अपना डोमिसाइल यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कौन से आपका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से आपको डोमिसाइल प्रोविंस सिलेक्ट करना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आपको मंथली इनकम लिखनी है, कितनी है आपके पास, कितनी लैंड है वो देनी है, ठीक है। उसके बाद किस टाइप की लैंड है, ठीक है, वो आप टाइप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास हैं तो दे दें, वरना कोई इशू नहीं है, ठीक है। लैंड एड्रेस या लैंड सिटी, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप होल्डर, यानी कि अगर आप पहले से स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, नो करना है, और यहाँ पर भी आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा। अब ये जो दूसरा स्टेप है, ये आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड है, जिसमें आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना प्रीवियस बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी। अगर बैचलर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी, या जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनको अपना बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। आप अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड सिलेक्ट करें, उसके बाद डिपार्टमेंट या कॉलेज का नाम लिखें, डिपार्टमेंट की परमानेंट एड्रेस दें, ठीक है। उसके बाद नीचे टेलीफोन नंबर दें, और आपका जो है वो एडमिटेड इन प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम में आप हैं, ठीक है, तो वो आप चूज़ करेंगे, और कोर्स आपका कौन सा है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। मैं एक रेंडमली कोई भी चूज़ कर लेता हूँ। टोटल प्रोग्राम फ़ी कितनी है, और आपका रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर वगैरह क्या है वो आप लिखेंगे। टोटल ड्यूरेशन कितनी है आपके सेमेस्टर की, मोस्टली 8 सेमेस्टर होते हैं बैचलर्स के, तो मैंने 8 लिखे हैं। ड्यूरेशन टाइप सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद करंट ड्यूरेशन आपकी क्या है, यानी कि आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर है, तो आप यहां से लिखेंगे। उसके बाद यहां पर HOD प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार, उनका नाम, उनकी ईमेल, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका CNIC नंबर। उसके बाद नीचे जैसे आएंगे, यहां पर आपको अपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। यहाँ पर कौन से ईयर में आपने पास किया मैट्रिक वो लिखना है, टोटल मार्क्स कितनी थी, ऑप्टेन मार्क्स आपको देनी है, और आपका इंस्टीट्यूट कौन सा था। इसी तरीके से इंटरमीडिएट की देनी है, ठीक है, और उसके बाद बैचलर्स की देनी है। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला आपका थर्ड ऑप्शन खुलेगा। इसमें क्या करना है कि यहाँ से आप अपने फॉर्म को पहले डाउनलोड करेंगे, जो आपने फॉर्म अपना फिल किया ना उसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद, यानी कि ये हमारा जो फॉर्म था, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्म जो है ना, ये सारी मैंने डिटेल नहीं दी, आप डिटेल देंगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। ये सारी डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो लैंड या रेवेन्यू ऑफिसर की वेरिफिकेशन, यानी कि उनकी सिग्नेचर, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर हो वहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी सिग्नेचर होगी, यहाँ पर आपके प्रिंसिपल या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की सिग्नेचर होगी, ठीक है। ये सारी आप चीज़ें फिल करवा के यहाँ से आप जो है वो यहाँ पर नाम वगैरह, आपकी जो भी डिटेल है वो सारी चीज़ें देने के बाद आपको क्या करना है, वापस अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आना है, और यहाँ से आपको अपना फॉर्म, यानी कि यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है। ये आपका जो फॉर्म है, ये आपने जो अटेस्ट वगैरह करवाया है अपने HOD से, वो अपलोड करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्म जो फिल किया है ना, वो वाला फॉर्म यहाँ से आप अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपका ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद CNIC की बॉस साइट्स या बे फॉर्म या CNIC, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, फार्मर एफिडेटिव ऑन स्टैम्प पेपर फ्रॉम फादर या FFC ऑफिसर, तो वो आपको अपलोड करना है। लैंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद जो लास्ट वाला स्टेप है, ये आपको टिक करके, ठीक है, यहाँ पर आपको टिक करके आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। अगर कोई क्वेश्चन है इस फॉर्म के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूं। मे बी सारी चीज़ें हो गई हैं, अगर कोई मिस हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दें। यहां से ना आप सिंपली बस टाइप, यानी कि CNIC वगैरह, डोमिसाइल, ये टाइप यहां से सिलेक्ट करें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।